हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। फ्रेंड्स, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं नए टॉपिक के साथ। आज हम कुछ नया करेंगे। फ्रेंड्स, आपको एक पहेली पूछती हूँ। पजल पता है ना क्या होता है? तो एक पहेली पूछते हैं जिसका आंसर आपको देना है। तो चलें फ्रेंड्स। एक चाचा, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर भी ये प्रश्न दिख रहा होगा। एक चाचा एक लड़की और एक मुर्गी लेकर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। उसने चाचा से तीन प्रश्न पूछे। फिर से एक बार देख लो। एक चाचा एक लड़की और एक मुर्गी लेकर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। उसने चाचा से तीन प्रश्न पूछे। वे प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। प्रश्न नंबर एक, चाचा जी आपकी उम्र कितनी है? प्रश्न नंबर दो, चाचा जी इस बच्ची से आपका क्या रिश्ता है? रिश्ता यानी रिलेशन, ये बच्ची आपकी कौन होती है, इससे आपका क्या रिश्ता है? प्रश्न नंबर तीन, इस मुर्गी की कीमत क्या है, यानी ये मुर्गी कितने रुपए की कीमत पूछी। तो तीन प्रश्न हो गए। चाचा जी के इन तीनों प्रश्न का उत्तर एक ही है। अब वो उत्तर क्या हो सकता है, सोचिए, विचारिए, माथा मारिए, फिर जब स्कूल खुलेगी तब बताइएगा, या तो फिर बीच में यदि आपको याद आए तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर तो आपके पास है, फ़ोन करके मैसेज कीजिएगा या फ़ोन करके बताइएगा। ओके, तो फ्रेंड्स तीनों प्रश्न का एक ही उत्तर है, तो ये क्या है, पहेली। तो फ्रेंड्स आज हम पहेलियाँ ही पढ़ेंगे, जो कि है चैप्टर हमारा सेकंड सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर, उलझन सुलझन। उलझन सुलझन क्या होती है, उलझी हुई चीज़ों को सुलझाना होता है, यानी पहेलियाँ, पजल्स। तो फ्रेंड्स बड़ा मज़ा आएगा। लास्ट टॉपिक में हमने चुटकुले पढ़े थे और इस बार पहेलियाँ, ये तो हमारा पसंदीदा टॉपिक है। फ्रेंड्स आपको पता है मनोरंजन के कई साधन है, उसमें से पहेलियाँ बूझना भी एक कला है, और इन्हें बूझने से हमारे सोचने की शक्ति भी बढ़ती है, कल्पना की उड़ान भरने का अवसर भी मिलता है और बढ़िया मनोरंजन होता है। उलझन सुलझन पाठ का यही हेतु है। फ्रेंड्स पहेलियाँ बूझना एक कला है, तो पहेलियों से छात्रों की तर्क तथा विचार शक्ति का भी विकास होता है। यहाँ पहेलियों के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न हुआ। तो चले फ्रेंड्स हमारी जो पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ हैं वो देखेंगे, फिर बाद में हम और भी कई पहेलियाँ देखेंगे और बूझेंगे भी। फ्रेंड सबसे पहली पहेली है, एक फूल काले रंग का, एक फूल काले रंग का सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। तो कौन सी चीज हो सकती है, काले रंग का फूल, वर्षा और धूप। फ्रेंड्स हाँ ये छाता है। अब आजकल तो कलरफुल छाते भी मिल रहे हैं, पहले के समय की पहेली है इसलिए छाता, उस समय काले कलर के ही छाते पाए जाते थे, और हम तो अपडेट हैं तो हमारे पास तो काफ़ी अपडेट पहेलियाँ होंगी जो मैं सुनना चाहूँगी। जब हमारी स्कूल खुलेगी तो आप सब सुनाएंगे, हम पहेलियों का भी एक दिन रखेंगे क्लास में। तो चलें फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नंबर दो, चोर नहीं डाकू नहीं, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, बत्ती सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। तो सोचिए फ्रेंड्स, बत्तीस, बत्तीस संख्या क्या क्या होती है हमारे शरीर में, हाँ दांत। तो अब यहाँ पर फिर से एक बार सोचिए, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, बत्तीस सिपाही जिसको घेरे रहते हैं, जिसका तन मन पानी पानी होता है, हाँ जी। ओके फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। नाम मेरा तीन अक्षर का, नाम मेरा
तीन अक्षर का रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। बताइए, सोचिए, सागर तट का रहने वाला है, तीन अक्षर का है, खाने के लिए काम भी आता है। मछली? ना, मछली सब नहीं खाते, मेरे जैसे वेजिटेरियन तो बिल्कुल ही नहीं। सोचो सोचो, सबके काम आता है जो। यस, नमक। तो आगे देखते हैं, आदि कटे तो दशरथ सुत होता, आदि कटे तो, आदि यानि प्रारंभ, आदि कटे तो दशरथ सुत होता, सुत यानि पुत्र, दशरथ का पुत्र कौन था? राम। मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। लकड़ी काटने का साधन कौन सा है? आरा। और दशरथ का पुत्र राम, और मध्य कटे तो आम। अब बताइए, इतना तो क्लू दे दिया। हाँ फ्रेंड्स, आ राम, यह वाली पहेली तो आपको लिखकर ही बूझनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, दो सखियाँ दोनों चंचल, दो सखियाँ दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसे खुशी में दुख में रोले। हाँ फ्रेंड्स, ये तो आपको पता चल ही गई होगी, आँखें। आगे देखते हैं, दादा है पर दादी नहीं, दादा है पर दादी नहीं, ये वाली पहेली भी आपको लिखकर ही बूझनी होगी। भाई है पर बहन नहीं, भाई है पर बहन नहीं, नौ है पर दस नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। तो फ्रेंड्स, क्या हो सकता है? हाँ, दादा भाई नवरोजी, जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे। तो फ्रेंड्स, समझ में आ गई? कुछ पहेलियाँ ऐसी होती हैं जिनका आंसर चित्र होता है, चित्र पहेलियाँ भी होती हैं, और कुछ पहेलियाँ ऐसी होती हैं चित्रों के माध्यम से हमें बूझनी होती है। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ चित्र दिख रहे होंगे, और इन चित्रों में नाम छुपे हुए हैं, और वो चित्र भी हैं, तो आप देखकर बूझ सकते हैं। तो पहला चित्र किस चीज़ का है? यस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सारंगी। तो उस चित्र में आप ध्यान से देखिए तो आपको सारंगी लिखा दिखेगा। और दूसरा चित्र तो मोर, पिकॉक, मोर का है ना, तो आपको मोर लिखा हुआ अंदर दिखेगा, ध्यान से देखिए। आया नज़र? ठीक है फ्रेंड्स, अब आशा रखती हूँ कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बाकी की जो पहेलियाँ आप ढूंढ कर लाएंगे, और जब हमारी स्कूल खुलेगी तब क्लास में पहेलियों का टॉपिक भी हम रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपका स्वाध्याय का टाइम। आपकी स्क्रीन पर कुछ शब्द हैं, दिए गए शब्दों के उत्तर मिले ऐसी पहेलियाँ आपको खुद से बनानी हैं, पर उसका आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, तो नंबर एक पेड़, दो आम, नंबर तीन बारिश, चार हाथी, मोर, मोबाइल और बादल, ये सात पहेलियों के उत्तर हैं। इन उत्तरों पर से आपको पहेली बनानी होगी। तो फ्रेंड्स, ये था आपका स्वाध्याय, और भी आप अपने तरीके से पहेलियाँ ढूंढकर और अपने परिवार में सुना सकते हो और बुझा भी सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब आपकी स्क्रीन पर दो चित्र दिख रहे होंगे। पहले चित्र में क्या करना है आपको, च से शुरू होने वाली कितनी चीज़ें हैं इस चित्र में वो देखनी है, और उसे अपनी नोटबुक में लिखना है। दूसरे चित्र में म से शुरू होने वाली कितनी चीज़ें हैं आपको देखनी हैं, और फिर वो भी नोटबुक में लिखनी है, और काउंट करना है कितनी चीज़ें आपको मिली, चित्र देखकर पता चल ही जाता है। और फ्रेंड्स, पीछे आप देखिए कुछ चित्र आपको दिखाए गए हैं, तो इन चित्रों में भी पहली है, नाम है उन चित्रों के, तो नाम ढूंढकर आप लिख सकते हैं कि किस का
का चित्र है। तो फ्रेंड्स अब इतना स्वाध्याय काफ़ी आपके लिए है ना। तो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। ओके बाय बाय।